वेलकम बैक टू माई चैनल अनु वाओ स्टाइल। सो अभी जैसे कि वेडिंग सीजन चल ही रहा है, मतलब काफ़ी देर से ही, लास्ट नवंबर से ही वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, तो अभी भी काफ़ी वेडिंग सीजन चल रहा है, काफ़ी वेडिंग्स मार्च तक ये वेडिंग सीजन चलता रहेगा। सो काफ़ी सारे मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि फेस पे हम लोग क्या अप्लाई करें कि हमारी टैनिंग हो जाए, एक नेचुरल ग्लो आ जाए। सो मैं आज प्री ब्राइडल्स के लिए एक फेस पैक लेके आई हूँ, जिनको जिनकी शादी एक महीने में है, अभी एक महीने बाद है, एक महीने का टाइम है, तो उनके लिए मैं एक फेस पैक लेके आई हूँ कि आप रेगुलर अपने फेस पे यूज कर सकते हैं। सो गाइस, मैं एक नहीं आपके साथ दो फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, जो दोनों ही जो फेस पैक है राइस फ्लावर से, यानी कि चावल के आटे से बनेंगे, एंड चावल का आटा आप जानते ही हैं फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो राइस फ्लावर जो है वो सन प्रोटेक्ट, राइस फ्लावर के अंदर जो है सन प्रोटेक्टिंग एजेंट, और उसमें फ्लोरिक एसिड होता है जो हमारे नेचुरल सनस्क्रीन का काम कर। सो राइस फ्लावर जो है हमारे स्किन पे जितने भी सनबर्न हो जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, उनको सबको सूट करता है, उन सबको लाइटन अप करता है। इन शॉर्ट, अगर आपके फेस पे टैनिंग है या कुछ किसी तरह का स्पॉट है, थोड़ा सा पिगमेंटेशन है किसी कारण से हो गया है, उसको लाइटन अप करेगा। सो फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक फेस पैक जिसमें अच्छे खासे इंग्रेडिएंट्स चलेंगे, सेकंड मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेली यूज होने वाला फेस पैक जो आप रेगुलर डेली लगा सकते हैं, पूरा वीक अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले एक बाउल में हम एक चम्मच चावल का आटा लेंगे, देन एक चम्मच हम लेंगे बेसन, और 1 टेबल स्पून हम लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, और 1/2 टेबल स्पून हम उसमें हनी डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग, और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा इसको हल्दी यानी कि टर्मरिक, और इसको हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, जब तक कि ये बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं होना चाहिए, गाढ़ा एकदम पेस्ट बनाना अपने फेस के लिए, और अपने फेस को हम अच्छे से क्लीन करेंगे, मेकअप रिमूव करेंगे, और आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा है ये, बिल्कुल भी मैंने रनिंग नहीं बनाया है। सो गाढ़ा पेस्ट हमें अपने फेस पे लगाना है, बेसिकली ये एक उपटन का भी काम करेगा, तो उसको हमें पूरे फेस पे अप्लाई करना है बहुत अच्छे से। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा हमारा जो पेस्ट है, पैक है, वो काफ़ी बच गया है, तो इस जो इतना भी बचा है हम उसको अपने हैंड्स पे लेंगे, और इसको फिंगर्स की हेल्प से या कैसे भी आप ब्रश की हेल्प से अपने आर्म्स पे, अपने हैंड्स पे लगा सकते हैं, अपने एल्बोज़ पे लगा सकते हैं, या फिर आपके जो बैक पे नेक के पास जो थोड़ा सा डार्कनेस होती है उसको आप रिमूव कर, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, नीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो ये पैक वैसे भी नेचुरल आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसको हम छोड़ देंगे एज इट इज़। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरा पैक काफ़ी सूख गया है, ऑलमोस्ट सारा सूख गया है, और मुझे 15 से 17 मिनट हो गए हैं। शेयर करना चाहूँगी, देखिए आप मेरे फेस पे भी ग्लो देख सकते हैं, और मेरी आर्म्स पे भी देख सकते हैं, काफ़ी टैनिंग, अभी भी काफ़ी टैनिंग है मेरे आर्म्स से, बिकॉज हम लोग स्लीवलेस पहनते हैं, आर्म्स फेस के कंपेरेटिवली आर्म्स पे ज़्यादा टैनिंग होती है। सो उसको मैं अभी रिमूव कर दूँगी, बिकॉज अगर मैं इस पैक को हफ्ते में 3 बार अप्लाई करूँगी अपने आर्म्स पे, तो डेफिनेटली मेरी आर्म्स की भी टैनिंग चली जाएगी। सो गाइस, ये था मेरा फर्स्ट फेस पैक। दूसरा फेस पैक है, उसके लिए भी हमें 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा, और उसमें हम मिक्स करेंगे दूध, तो दूध हमें उतना ही चाहिए, मिल्क इतना ही चाहिए जितना कि एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए, बस यही 2 इंग्रेडिएंट के साथ ये पैक बनेगा। इस पैक को भी आप नॉर्मली अपने फेस पे जैसे आपने पहले बार लगाया था वैसे ही लगाना है, और इसमें मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं मिलाया, बिकॉज गाइस इसको आप 7 to 10 मिनट्स के लिए आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें, और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लें। तो अभी गाइस मेरा पैक सूख गया है, और ये थोड़ा सा इतना गीला है, बट अभी काफ़ी हो चुका है, तो मैं इसको मैं रुकूँ, ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स हो गए हैं, 7 मिनट्स, तो मैं इसको अब रिमूव कर देती हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, और एकदम क्लीन हो गया मेरा फेस, और बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं है मेरे फेस पर, देख सकते हैं बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं है, और मेरा फेस काफ़ी मॉइस्चर, मेरा मिल्क जो है हमारा मॉइस्चराइज़र का काम करता है, और ड्राइनेस भी ऐसा नहीं कि बहुत ग्रीसी कर देगा, बट काफ़ी अच्छा मेरा, मतलब स्किन सॉफ्ट, एकदम बेबी सॉफ्ट स्किन हो गई है मेरी, और बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ मैं। सो ये था मेरा गाइस सेकंड पैक, और ये आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगी आप डेली ही यूज़ करें इसको। सो जो ब्राइडल्स हैं उसको जो प्रिपेयर करती है, जिस दिन आपका मेकअप होगा, अपनी शादी के लिए प्रिपरेशन कर रहे, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हेल्दी स्किन के लिए, ब्राइटनिंग स्किन के लिए। ये नहीं कि जब जिस दिन आप मेकअप करें उस दिन ही अच्छे लगे,
लगे। आफ्टर मैरिज और शादी से पहले जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें भी आपको एक ग्लोई, आपकी स्किन जो है एकदम शाइनी, एक स्किनी जो शाइन होती है स्किन की, वो होना बहुत ज़रूरी है। सो आज मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि जो जितनी भी लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली है, प्लीज़ ये दोनों पैक्स को ट्राई करें और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और मुझे 100% पता, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसे रिजल्ट मिले। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मेरी कोई भी और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं मेरी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।